नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। तालिबान का साथ देने पर पाकिस्तान पर कार्यवाही की मांग। अमेरिकी सांसद ने कहा बंद हो मदद, लगे प्रतिबंध। राम के द्वार दीपों से श्रृंगार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7.50 लाख दीप जलाकर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। शासन से सवाल, किसके आदेश पर हुआ शहीदों का अपमान। ऐतिहासिक धरोहर को ध्वस्त कराने का मामला। यूपी चुनाव में आगरा से राजनीति सफर शुरू करने वाली बेबी रानी मौर्य को दी जा सकती है बड़ी जिम्मेदारी। नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर बरसे ओपी राजभर। बीजेपी की अर्थी निकाल लूंगा मैं, पीछे लगेगा राम नाम सत्य का नारा। बरेली भारत सरकार द्वारा 6 करोड़ रुपए के मुद्रीकरण अभियान के तहत रेलवे की मूल्यवान परिसंपत्तियों को बेचने, जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 15 रेलवे स्टेडियम, 90 पैसेंजर गाड़ियां, 256 गुड्स सेड, 741 किलोमीटर कोंगड़ रेलवे ट्रेन, 673 किलोमीटर डेडिकेटेड फ्रंट कॉरिडोर, 1400 किलोमीटर ओएचई ट्रेन सामग्री, भारतीय रेलवे कॉलोनी तथा 4 पर्वतीय रेलवे स्टेशन के विरुद्ध एनई रेलवे मजदूर यूनियन के ऑल इंडिया रेलवे मैस फेडरेशन AIRF के आह्वान पर आज मरैप्र कार्यालय प्रांगण में PNB बैंक के समक्ष धरना प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडल मंत्री कामरान अहमद ने की। धरने में सैकड़ों की संख्या में रेल कर्मचारियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों ने निजीकरण का विरोध किया। अंत में उक्त के संबंध में यूनियन के पदाधिकारियों ने माननीय रेल मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन मंडल रेल प्रबंधक इज्जत नगर को सौंपा। कार्यक्रम ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन के आह्वान पर एनडी रेलवे मजदूरों द्वारा आज अपने पूरे जोन में, सभी मंडलों में, सभी शाखाओं में और मुख्यालय स्तर पर यह इसका आयोजन किया जा रहा है। ये ऑल इंडिया रेलवे स्टेशन के निर्देशन पर, और उसका मुख्य जो मुद्दा है वो ये है कि अभी निर्मला सीतारमण जी जो हमारी भारत सरकार के वित्त मंत्री हैं, उन्होंने एक घोषणा की कि हम 6 लाख करोड़ रुपए की परिसंपत्तियों को बेचने जा रहे हैं, जिनमें 1,52,496 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति रेलवे की है, जिसमें 400 रेलवे स्टेशन, 15 हमारे रेलवे स्टेडियम, 90 पैसेंजर गाड़ियाँ। इसी तरह उन्होंने 741 किलोमीटर रेलवे ट्रैक, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, इन तमाम चीज़ों को जो बेचने की उनकी 152 करोड़ रुपए की संपत्ति जो इसको बेच करके अर्जित करना चाहती हैं, ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन इसका पुरजोर विरोध कर रही है। और यही नहीं, पिछली बार भी इन्होंने प्रयास किया था तेजस चलाने का, और तेजस इनका ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन ने न केवल तेजस को रुकवाने का काम किया बल्कि उसको घेरने का काम किया और नहीं चलने दिया। हम पुनः आपको कह रहे हैं इस मंच के माध्यम से कि यदि इस तरह की कोई भी प्रयास इस तरह का किया गया तो निश्चित तौर पर ऑल इंडिया रेलवे एसोसिएशन इस निजीकरण को रोकने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा देगा। हम आवश्यकता पड़ी तो रेलवे को चक्के को भी जाम करने में जरा भी गुरेज नहीं करेंगे, जरा भी परहेज नहीं करेंगे, चाहे परिणाम कुछ भी हो। उत्तर प्रदेश के इटावा में सरकार भले ही अपराधों पर जीरो टॉलरेंस का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही हो, लेकिन अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। वो कहीं ना कहीं बेखौफ होकर अपराध को अंजाम दे रहे हैं। कई बार तो सत्तासीन भाजपा के माथहद ही काले कारनामों को अंजाम देते सामने आते हैं। ऐसा ही एक मामला इटावा जनपद से आया है, जहां भाजपा नेता पर डीजल चोरी कर कालाबाजारी करने का आरोप है। इटावा अपर पुलिस अधीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि इटावा जनपद में जिला प्रशासन और पुलिस टीम ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ संयुक्त रूप से अभियान चलाया। इस अभियान के दौरान उन्होंने करोड़ों रुपए के डीजल की कालाबाजारी का खुलासा किया। ये कालाबाजारी का खेल जिले के जसवंत नगर स्थित एक ढाबे पर चल रहा था, जो एक भाजपा नेता का बताया जा रहा है। हालांकि छापेमारी की सूचना पर होटल मालिक फरार हो गया, मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये कानपुर देहात में रिलायंस इंडस्ट्रीज का आउटवार्ड है, जहाँ से डीजल लेकर के ट्रक ढेर सारे पेट्रोल पंप्स के लिए रवाना होते हैं। यहाँ पर जसवंत नगर थाना क्षेत्र में हाईवे पर ही एक फौजी ढाबा है, जहाँ पर आज सूचना मिली थी कि जो आउटवार्ड से ट्रक्स रवाना होते हैं वो यहाँ पर
काफ़ी भारी मात्रा में डीजल निकाल देते हैं। ढाबे के पीछे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पर ट्रक खड़ा है और इससे डीजल निकाला जा रहा था। इसी तरह चार ट्रक और ढाबे के सामने खड़े हैं, उससे भी डीजल निकाल करके उसको बाहर की ओर खड़ा किया गया था। लगभग 3,500 लीटर डीजल ढाबे के पीछे स्थित एक छोटे से कमरे में ड्रमों में इकट्ठा है, वहाँ डीजल निकालने की मजा आते थे। और आपने देखा है कि यहाँ पर कुछ ट्रैक्टर, कुछ और भी वाहन खड़े हैं जिनमें ये डीजल औने पौने दाम पर बेचे जाने की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। जो फौजी ढाबा के कथित मालिक हैं, इनकी संलिप्तता इसमें जाहिर है और ये फिलहाल फरार हो गए हैं। 17 लोग कुल हिरासत में लिए गए हैं। यह पुलिस और राजस्व विभाग और DSO की एक जॉइंट ऑपरेशन चलाया गया था आज, और इसमें ये बरामदगी और ये घटना का उजागर हुआ है। इस प्रकार से ये काफ़ी भारी मात्रा में राजस्व की हानि करते थे। इस प्रकरण में बहुत ही सख्त कार्रवाई की जाएगी और इसमें हम कोशिश कर रहे हैं और जो फैक्ट्स हमें मिल रहे हैं उसके आधार पर NSA की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। ये जो पूरा गैंग है, ये कितने समय से इस तरीके का अनलीगल कारोबार करने में लगा हुआ था, क्या पुलिस के पास में जानकारी मिली? अभी तक जो हमें सूचनाएं प्राप्त हुई हैं उसके आधार पर ये लगभग 6-7 महीने से ये इस तरह का कार्य चल रहा था, और इसमें हम और तथ्यों को पूछताछ अभी करेंगे तो हमें निश्चित रूप से और तथ्य प्रकाश में आएंगे। सर, जो गैंग लीडर हैं उनका कोई राजनीतिक किसी परिवार या किसी नेता से कोई रिलेशन सामने आया हो? हम ये सब चीज़ों तथ्यों पर अभी जांच कर रहे हैं और पूछताछ करेंगे, फिर इसको जो भी प्रगति होगी आपको अवगत। जो 17 लोग गिरफ्तार किए गए हैं या हिरासत में लिए गए, उन लोगों की भूमिका किस तरीके से, वो लोग कौन लोग हो सकते हैं या है? इसमें ट्रक मालिक हैं, ट्रक के खलासी हैं। महोबा जिले के पचखारी विकास खंड के गौरहारी गांव में प्रधान व सचिव पर प्रधानमंत्री आवास मामले में घोटाले का मामला शांत भी नहीं हो पाया था कि गांव के जागरूक ग्रामीण ने मनरेगा जॉब कार्डों में प्रधान व सचिव पर फर्जी जॉब कार्ड बनाकर सरकारी धन का बंदरबांट करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ग्रामीणों की शिकायत के आधार पर मुख्य विकास अधिकारी ने जांच टीम गठित कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए ये जाँच समिति जल्द रिपोर्ट कार्यालय में प्रेषित करेगी। अगर गरीबों के मिलने वाले धन में फर्जीवाड़े का मामला सामने आता है तो आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। देखिए, ऐसा है कि चरखारी में गौरहारी में एक कंप्लेंट आई है जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग काम नहीं करते हैं उनके भी जॉब कार्ड बनाकर उनके जॉब कार्डों पर पेमेंट किया जा रहा है। मैंने उपायुक्त श्रम रोजगार को निर्देशित किया है और वो जल्दी ही जो है वो जाँच करके उसकी रिपोर्ट देंगे और इसमें जो भी दोषी होगा अगर पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और अगर गलत भुगतान हुआ तो उसकी रिकवरी भी की जाएगी। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक पर सरकार की तानाशाही रवैये के खिलाफ CM योगी का पुतला दहन करने की कोशिश की। पुलिस ने किया गिरफ्तार, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। गौरतलब कि बुधवार की सुबह मथुरा शहर युवा कांग्रेस द्वारा योगी सरकार द्वारा किसान एवं अन्य कार्यकर्ताओं पर किए जा रहे अत्याचार एवं तानाशाही रवैये को लेकर शहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने स्टेट बैंक चौराहे पर CM योगी का पुतला फूंकने का प्रयास किया, जिसे पहले से पुलिस प्रशासन द्वारा किए गए इंतजाम को लेकर नाकामयाब कर दिया। वहीं युवा कांग्रेस अध्यक्ष यादव ने बताया कि सरकार चाहे हमें कितना ही जेल में डाल दे एवं चाहे जो भी करे, तानाशाही रवैया एवं अत्याचारों के खिलाफ कांग्रेस हमेशा आवाज उठाएगी। ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा आज एक धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था और हम लोगों को गोपनीय सूचना भी प्राप्त हुई थी कि उन लोगों के द्वारा पुतला दहन का भी कुछ कार्यक्रम प्रचारित है। इस सूचना के क्रम में पुलिस के सभी तंत्र लगातार सक्रिय थे और जैसे ही हम लोगों को सूचना मिली जहाँ इनका कार्यक्रम स्थल था, प्रस्तावित था, वहाँ भी हम लोगों ने इनको पहुँचने नहीं दिया और उससे पूर्व ही हम लोगों ने इनको अपने में लेकर के इनको थाने भिजवा दिया गया है। चूँकि इनका कार्यक्रम उससे संबंध में न तो इन लोगों द्वारा कोई अनुमति ली गई, इसलिए कार्यक्रम पूर्णतः अवैधानिक था, जिसके क्रम में पुलिस द्वारा ये कार्रवाई की। कितने लोग गिरफ्तार किए हैं सर? अभी लगभग 8-10 लोगों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया है और कार्रवाई की जा रही है।
नंदोसी के काना उपवन गौशाला में चारे और भूसे के घोटाले की शिकायत पूर्व कर्मचारी ने महापौर से की है। अनुप्रताप पूर्व कर्मचारी ने बताया कि काना उपवन में पशुओं के लिए खरीदे जाने वाले चारे और भूसे में गड़बड़ी हो रही है। बार बार अधिकारियों को अवगत कराया गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। आज फिर वो महापौर और नगर आयुक्त को आगाह करने आया है कि मुख्यमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट में ये भ्रष्ट अधिकारी पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। भानु ने घोटाले से संबंधित सभी कागजात महापौर और नगर आयुक्त को सौंपे हैं। मामला मैं काना उपवन में कर्मचारी हूँ। काना उपवन शिवगंज खड़ुआ पड़ता है ये, और वहाँ भूसा चारे का घोटाला हो रहा है, गायों के साथ अन्याय हो रहा है चार महीने से। और उसमें घोटाले में करीब ट्रालियाँ 16 हैं सब टोटल। मेरे शिकायत करने पर मुझे काम से वहाँ से निकाल दिया गया। आपको कैसे पता लगा कि घोटाला हो रहा है? ये मैंने सर रक्षाबंधन 23 तारीख को जब मैंने वहाँ देखा रजिस्टर में, जब देखा वहाँ ट्राली थी नहीं और रजिस्टर में चढ़ी हुई थी। गार्डों के द्वारा मुझे सूचित मिली, मैंने रजिस्टर चेक किए तो वहाँ ट्रालियों की गड़बड़ी निकली। लगातार ट्राली से घपला हो रहा है जी सर, मतलब माल आता नहीं है, माल आता नहीं है, ट्राली चढ़ जाती हैं, ट्रालियाँ सारी बाहर चली जाती हैं, बिकाई हो जाती हैं। कितने लाख का घोटाला हुआ? करीब लगभग है 8 लाख का है घोटाला है ये। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।